तो फाइनली गाइस मैंने अपने यूट्यूब पेमेंट से वीवो का मोबाइल ले लिया है। वीवो V23 मोबाइल मैंने लिया है दोस्तों। और मैं आपको पहले बताया था मैं ये मोबाइल क्यों लिया हूँ। देखो दोस्तों, मेरा जो वीडियो शूटिंग होता है, ये वीडियो शूटिंग मेरा वीवो के मोबाइल में होता था जो 5 साल पुराना था। और होता क्या था दोस्तों, उसमें क्वालिटी अच्छा नहीं आता था, ब्लर आता था, तो अच्छे से दिखता नहीं था, वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती थी, जिससे ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाता था। लोग वीडियो पर कम क्लिक करते थे, और क्लिक भी करते थे तो पूरा वॉच नहीं करते थे, जिससे दोस्तों हमारा जो मेहनत है पूरा ख़राब हो जाता था। इसी को देखते हुए दोस्तों मैंने वीवो का मोबाइल खरीदा, वीवो V23। और इसका जो कैमरा दोस्तों बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का है। इसी कारण दोस्तों ये मोबाइल मैंने खरीदा है। और आप लोग से मैं वादा किया था कि मैं जो मोबाइल खरीदूंगा आप लोग के सामने दोस्तों उसका पूरा प्रेजेंट करूंगा, पूरा आप लोग के सामने रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आखिर मुझे YouTube से कितना पेमेंट आया था। तो दोस्तों यूट्यूब से दोस्तों मेरे पेमेंट जो है अभी तक दोस्तों 2 चैनल हमारा है, और एक चैनल में हमारा दोस्तों आया था वही 8,500 के करीब, और दूसरे चैनल में दोस्तों हमारा आया था 10,000 के करीब, और एक दोस्तों हमने ऐड किया था, तो टोटल यूट्यूब से हमारा 20,000 के आसपास दोस्तों पेमेंट आया था। आपको लग रहा होगा दोस्तों वो पेमेंट जो है हमें 1 महीने 2 महीने मिल गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब से दोस्तों मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, और आज फाइनल ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, यानी कि 3 साल में काम करने के बाद दोस्तों सोच सकते हो कि 20,000 बस हमको प्रॉफिट हुआ है। और ये मोबाइल जो है दोस्तों 30,000 रुपये का है, तो 10,000 रुपये दोस्तों मैंने अपने पिताजी से उधार लिए, और उसको दोस्तों उसी का पैसा से आज हम ये मोबाइल खरीदे। 20 हमारा यूट्यूब का था, 10 हमारे पिताजी का, टोटल 30,000 का ये हमारा मोबाइल था। मोबाइल के बारे में दोस्तों पूरा रिव्यू अभी मैं देने वाला हूँ, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा वीवो V23 मोबाइल दोस्तों, जिसका प्राइस मैंने आपको बता दिया, तो अब हम दोस्तों इसको बस अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। पहले से दोस्तों इसको मैं पूरा खोल लिया था, लेकिन आपके सामने फिर एक बार और इसको ओपन करने वाला हूँ। तो इसका जो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो बैकग्राउंड है बहुत शाइनिंग है यार, एकदम मस्त। और पिछला वाला जो मेरा मोबाइल था दोस्तों वो भी वीवो का था, उसका कवर मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार उसका कवर था। तो ये वाला जो मोबाइल था दोस्तों वीवो V7, इसको मैं यूज़ करता था, और इसी से दोस्तों मैं जितने भी मेरे वीडियो होते थे, करीब दोस्तों 1,000 वीडियो मैंने इसी मोबाइल से शूट किया था। और ये जो मोबाइल है दोस्तों, मैं जब कक्षा 10वीं पास हुआ था तो मेरे पिताजी ने ये गिफ्ट किया था, और इसी मोबाइल से दोस्तों मैं वीडियो शूट किया, और इसी मोबाइल से वीडियो शूट करके आज इसी के पैसे से दोस्तों ये जो मोबाइल देख रहे हो आप, इसी को मैंने आज परचेस किया। तो ये भी तो वीवो का मोबाइल है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त इसका शाइनिंग है, इसका जो खड्डे का है। और इस प्रकार से दोस्तों ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक हमको मिलता है टूल्स, इसमें पूरा इंस्ट्रक्चर लिखा होता है, वारंटी के रिकॉर्डिंग पूरा, इसका ऐसा कोई काम नहीं होता है। बाकी दोस्तों फाइनली हम मोबाइल की ओर आते हैं, इससे पहले आपको हम पूरा दिखाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसमें मोबाइल था इसके अंदर, और यहाँ पर दोस्तों मैं पूरा पहले से ओपन कर लिया था यार, क्योंकि वहाँ चेक किया था। तो और यह है दोस्तों हमारा चार्जर, तो ये जो सी टाइप केबल है, और यह दोस्तों 44 वाट का फ्लैश चार्जर दोस्तों, जिससे दोस्तों चार्जर लगभग 30 से 40 मिनट में पूरा 100% हो जाते हैं, और बहुत अच्छा क्विक चार्जिंग है दोस्तों ये। और इस प्रकार से हमें यहाँ पर ईयरफोन भी, मतलब वीवो की यही खासियत है कि आपको यहाँ पर ईयरफोन भी देखने को मिलता है, बहुत प्यारा दोस्तों इसमें म्यूजिक सुनाई देता है, और बहुत ही अच्छा इसका लुक है। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमको मिलता है एक पिन, इससे दोस्तों हम सिम को ओपन कर सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह है दोस्तों हमारा, जो पहले क्या होता था, हम जो भी हम वीडियो शूट करते थे तो हम बिना माइक के करते थे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो मोबाइल था वीवो का V7, इसमें हमारा जो माइक है इसमें फिट नहीं हो पाता था, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज बहुत आता था। तो इसी वजह से इस मोबाइल को परचेस किया। और इस मोबाइल की खासियत ये है कि इसमें जब हम अपना माइक यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज एक भी नहीं आता है। तो फाइनली यार मोबाइल को अब आपको दिखाता हूँ, तो ये हमारा वीवो का मोबाइल है। इसकी खासियत यह है दोस्तों कि इसकी जो वहाँ पर कैमरा है बहुत अच्छा है, इसका रियर कैमरा जो है 64 मेगापिक्सल है, और साथ ही साथ जो एक और कैमरा है ये 8 मेगापिक्सल है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा जो है इसका 50 मेगापिक्सल है, और सेकंड वाला जो है दोस्तों 8 मेगापिक्सल। तो दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है ये 6.44 इंच है, फुल HD है, और AMOLED डिस्प्ले है, जो कि बेहतरीन लुक यहाँ पर प्रदान करता है। और इसी प्रकार दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है सबसे गजब प्रोसेसर है दोस्तों MediaTek Dimensity 920 2.5 GHz का है दोस्तों। Realme 9 Pro Plus का भी प्रोसेसर इसी के अकॉर्डिंग था, लेकिन जब दोनों मोबाइल मुझे सेम प्राइस पर मिला तो मैं Vivo का V23 मोबाइल परचेस करना सुविधाजनक समझा। तो यह है दोस्तों मोबाइल, और आपको दोस्तों कैमरा क्वालिटी तो अभी चेक नहीं कर सकता क्योंकि मैं फोटो अभी तक नहीं लिया हूँ,
तो लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त लुक है यार इसका। बस आपको ऐसे एक बार दिखा दूँ, आप देख सकते हैं मेरा बैक का यहाँ पर आ रहा होगा। तो बाकी इसी सूट होगा, आप समझ जाओगे फिर वीडियो क्वालिटी कैसा आएगा। तो बस दोस्तों आपको बस यही दिखाने वाला था, तो और कुछ नहीं यार। बाकी घर से लिए पैसे जो मोबाइल परचेस किया था, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट किए थे तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने मोबाइल को दिखा दिया। वैसे मुझे रिव्यू करने नहीं आता, लेकिन दोस्तों आप लोग के लिए बस मैं छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया। तो बस यार कुछ नहीं था, बहुत मेहनत के बाद यार YouTube से पेमेंट आया। लगभग दोस्तों 3 साल से मैं वीडियो क्रिएट कर रहा था, फर्स्ट साल सक्सेस नहीं मिला, फिर सेकंड साल, थर्ड साल दोस्तों मेरा पेमेंट आया और उसी से परचेस किया। तो यार बस कंटिन्यू मेहनत करना है। तो हो गया दोस्तों बस इतना ही। यदि आप भी मोबाइल लेना चाहते हो और वीवो को, तो ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और यदि आप हमारे चैनल के थ्रू जाओगे तो आपको 1000 से 500 तक वीवो के मोबाइल में डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूँ, आप उस दुकान से जाकर परचेस कर सकते हो और चैनल का नाम लोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो बस यार वीडियो का करते हैं क्लोज।